हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये बात तो आप लोग भी जानते हैं, अभी हम सब नॉर्थ इंडियन फैंस ये बात जानते हैं कि साउथ इंडियन सिनेमा धीरे धीरे नॉर्थ इंडियन सिनेमा पे भी एकदम अपना कब्जा जमा है। उनकी बहुत सारी फिल्में जो साउथ में बनती हैं, उनके डबिंग राइट्स खरीदने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइन लगी होती है और वो चीज़ें खरीदते भी हैं। ऐसी एक इमोशनल मूवी, एक इमोशनल ड्रामा मूवी जो हमें कहीं ना कहीं सीख देती है, मैं वो मूवी आपके लिए लेके आया हूँ। मूवी का नाम है चित्रलहरी। मूवी में अगर मैं स्टारिंग की कास्ट की बात करूं तो साई धरम तेज, कल्याणी प्रियदर्शन और नमिता पेतुराज आपको नजर आएंगे। सपोर्टिंग एक्टर्स की अगर बात की जाए तो सपोर्टिंग एक्टर्स में आपको ब्रह्मा जी नेगेटिव रोल में नजर आएंगे और सुनील ये आपको कॉमेडियन और कॉमिक रोल्स में आपको नजर आएंगे। मूवी काफी हद तक अच्छी है। मैं ये नहीं कह सकता कि एक एक्शन मूवी है। अगर आप इस मूवी को ये चीज देखने जाएंगे कि एक एक्शन मूवी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मॉरल बेस्ड स्टोरी है। एक 20th सेंचुरी में जो भी जितने भी यूथ होते हैं उनको एक मॉरल सेंस इन्होंने प्रोवाइड करने का इस मूवी में कोशिश की है। मूवी की स्क्रिप्ट की बात करें, मूवी की स्क्रिप्ट एक ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट की है जो अनएम्प्लॉयड होता है, लेकिन चाहे वो जितनी भी मेहनत कर ले उसकी मेहनत नाकाम होती है। वो एक ऐप बनाना चाहता है एक्सीडेंट अलर्ट का, और जितनी भी कंपनीज होती हैं सबको जाकर अपना व्यू दिखाता है कि ये मेरा प्लान है, आप इसको स्पॉन्सर कीजिए, बट इसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी जाती। फिर ये आखिर में आते आते मूवी के एंड तक ये चीज दिखाता है, उसको अपनी अपने ऐप को ही गाड़ी से कनेक्ट कर अपने आप को ही एक्सीडेंट कर प्रेजेंट लोगों के सामने करता है, कोर्ट के सामने, कि मैंने जो ऐप बनाया है वो बिल्कुल एक अच्छा बहुत ही यूनिक आइडिया है एक्सीडेंट्स को बचाने का। एक्सीडेंट्स ना हो, एक्सीडेंट अगर हो भी तो भी कहीं ना कहीं पुलिस और हॉस्पिटल्स तक ये बात पहुंच जाए। इस सब चीजों को काफी अच्छे से जो डायरेक्टर है उन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी को दिखाया है, काफी अच्छे से मूवी की स्क्रिप्ट को लिखा है ताकि लोग उसको समझें कि आखिर क्या मैसेज वो कन्वे करना चाह रही है। मूवी में ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉरल बेस्ड है, लेकिन मूवी में कॉमेडी के लिए भी आपको कहीं ना कहीं जो गाने हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे आपको। और कुछ सीन्स 8 से 10 मिनट के ऐसे सुनील दिखाएंगे आपको, ये वैसे उनके क्लासमेट बनते हैं। अगर आपने गाना सुना होगा चित्रलहरी का तो वो आपको कई ज्यादा हंसाने का काम पूरी अच्छी तरह से करेंगे। बात करते हैं अगर नफीसा पेतुराज की, तो वैसे तो वो ज्यादा अच्छी वो नहीं है, इसमें हीरोइन का रोल तो नहीं किया उनने, बट जब जब हीरोइन और इनका सामने आमने सामने टक्कर हुई है इन्होंने हमेशा उनसे बढ़ चढ़कर एक्टिंग करने की कोशिश करी है। और बात करें साई धरम तेज की, तो साई धरम तेज ने काफी अच्छी एक्टिंग करी है, अबव एवरेज है। बट उसी के साथ साथ अगर ये मूवी का अगर मैं सबसे बड़ा रीजन बोलूं कि आपको देखनी चाहिए, तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि उनका न्यू लुक, उनका बियर्ड वाला जो लुक है वो काफी हद तक अच्छा है। दूसरी बात जो सबसे अच्छी मुझे इस मूवी में लगी वो था फादर का रोल। फादर का रोल इसमें कोसानी कृष्णा मुरली ने किया है, उनका रोल काफी हद तक एक बहुत अच्छा है, बहुत ही डिसेंट रोल उन्होंने प्ले किया है। कॉमेडी भी करी है, फादर का रोल भी अच्छा निभाया है। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि एक फादर हमेशा चाहता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो अपने बच्चों को अपने से भी आगे देखना चाहता है। जब भी उनके बच्चे कहीं ना कहीं हारे वो अपने बच्चों को उठाते ही हम सबके ही फादर करते होंगे। इस मूवी में भी उसी चीज को दिखाया गया है। मूवी को मैं अपनी तरफ से सिर्फ 3.5 स्टार्स 5 में से देना चाहूंगा। आपने ये मूवी देखी है तो आप बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। नहीं देखी है तो आप इसे गोल्डमाइन सेलिफिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको कैसी लगी आप ये कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको जितनी भी साउथ और वेब सीरीज मूवीज की जितने भी अपडेट्स चाहिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।